सफल राजनेता बनने के लिए राजनीति के लिए भी एक अच्छे अंक या अपनी पहचान बनाने में आप सबसे जरूरी माना जाता है। एक छोटे परिवार से आकर एक लंबे समय तक राजनीति योगी आदित्यनाथ जी का है, बाला साहब ठाकरे जी का, शिवराज सिंह चौहान भी स्थिर राजनीति देता है, कंटिन्यू पद पे रहना। दोस्तों आज हम स्थिर राजनीति में रहने के लिए कौन से अंक जिम्मेदार है, इस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि राजनीति के लिए भी एक अच्छे अंक की जरूरत पड़ती है? एक अच्छे अंक ही आपको एक सफल राजनीतिक नेता या अपनी पहचान बनाने में आपको मदद करते हैं। कौन सा ऐसा अंक है जो आपको राजनीति में सबसे ज़्यादा सफल बनाएगा, आज ये सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों राधे राधे, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपका अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में स्वागत करता हूँ। सफल राजनेता बनने के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक 8 अंक 9 अंक, ये 3 ऐसे अंक हैं जिसका होना सबसे जरूरी माना जाता है। अगर हम बात करें 5 अंक की, 5 अंक राजनीति का सबसे स्थिर अंक माना जाता है। इस अंक के जातक एक छोटे परिवार से आकर एक लंबे समय तक राजनीतिक पहचान बनाते हैं और कंटिन्यू एक ही क्षेत्र से बार बार जीतकर आते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड किसी भी तरह पॉलिटिक्स राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो अपने जीवन काल में एक सफल नेता बनते हैं। 5वां अंक बुध का होता है। बुध हमें स्थिरता देता है। बुध को बुद्धि का भी ग्रह कहा जाता है, और इस बुद्धि के ग्रह के कारण कई सफल नेता हमारे भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उनमें से पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी जन्म तारीख 5 है, और वह एक व्यक्ति बिना राजनीतिक परिवार से रहते हुए भी एक सफल नेता बने। दूसरा नाम है बाला साहब ठाकरे जी का। उनका भी राजनीतिक करियर बहुत ऊंचा रहा और वो भी 5 अंक से जाने जाते हैं। तीसरा 5 अंक से आने वाले श्रृंखला में हम शिवराज सिंह चौहान को लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कंटिन्यू 3 बार जीतकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं। इस 5 अंक की इतनी अच्छी खासियत है राजनीति में कि अगर इस अंक के कोई जातक हारे भी हैं तो उनको राजनीति में अच्छे पद मिला है। इनमें से हम स्मृति ईरानी का नाम लेते हैं। स्मृति ईरानी की डेट ऑफ बर्थ भी 23 तारीख है। 23 तारीख मतलब 5 अंक। 5 अंक होने के कारण वो राहुल गांधी से हारने के बाद भी उन्हें एक अच्छा पद दिया गया। इसके बाद राज बब्बर हारने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे। 5 अंक के कारण अस्थिर सरकार होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह एक स्थिर प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 10 साल के अपने शासनकाल स्थिर रूप में निकाले। तो राजनीति में 5 अंक की उपयोगिता बहुत ही मानी गई है। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति स्थिर रूप से करने के लिए 5 अंक का होना बहुत ही अनिवार्य है। क्या आपके जन्म तारीख में है ये 5 अंक? क्या आपकी जन्म तारीख 5/14/23 है? अगर है तो क्या आप सफल नेता बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करें कि आपकी जन्म तारीख में राजनीतिक योग है या नहीं। अगले 72 घंटे में हम जरूर जवाब देंगे। नमस्ते।